व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक एक और नए वीडियो में। फाइनली हमारे इंडिया में जियो गेम्स आ चुका है। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि जियो गेम्स क्लाउड में कौन से रिक्वायरमेंट्स होंगे आप लोग को यूज करने के लिए, और क्या क्या उसमें गेम्स के लाइब्रेरी है, और उसको कैसे हम लोग अप्लाई करें, उसको कैसे ज्वाइन करें। तो चलो इस वीडियो में सब आप लोग को बताने वाला हूँ। इस वीडियो में आप लोग को सब जानकारी मिलेगा, सो लेट्स गो। तो फाइनली जियो गेम्स क्लाउड इंडिया में आ चुका है। वैसे तो इंडिया में बहुत सारा पहले से क्लाउड गेमिंग के ऐप है, जैसे कि चिक्की है, द गेमिंग प्रोजेक्ट है, और बहुत सारे हैं, अलग अलग बहुत सारे हैं। उस क्लाउड गेमिंग ऐप में भी पहले आप लोग खेल सकते थे, बहुत सारे अलग अलग गेम्स आते थे, जैसे GTA 5 हो गया, बहुत सारे बड़ा बड़े ट्रिपल ए गेम्स भी आते थे उसमें, तो आप लोग खेल सकते थे। पर ऑफिशियल लॉन्च नहीं था इंडिया के लिए, पर ऑफिशियली अब जियो गेम्स क्लाउड लॉन्च हो चुका है हमारे इंडिया के लिए, और आप लोग इसको अभी फ्री में खेल सकते हो, क्योंकि ये अभी बीटा वर्जन में चल रहा है, तो इसको अभी फ्री में खेल सकते हो। ज्यादा बड़े टाइटल्स नहीं है, आप लोग को बता दूंगा कि कौन से गेम्स के लाइब्रेरी है इसमें, और इसके रिक्वायरमेंट भी बताऊंगा, और इसमें कैसे आपको इसको अप्लाई करना है तो वो भी बताता हूँ। तो जियो गेम्स क्लाउड एनवीडिया के साथ अभी पार्टनरशिप कर लिया है, और हो सकता है कि बहुत सारे जैसे एनवीडिया जी फोर्स में बहुत सारे बड़े बड़े गेम्स है, जैसे ट्रिपल ए गेम्स है, वो भी जियो गेम्स में आ सकता है, और आप लोग हो सकता है कि उसको फ्री में भी खेल सको अभी के लिए, पर बाद में जियो उसके लिए पेड वाला प्लान लेके आएगा। तो अभी क्या, जैसे बीटा चल रहा है ना, तो उसमें आप फ्री में खेल सकते हो। अभी बहुत सारे गेम्स है, जैसे अनसर्टेन है, डिलीवर अस द मून है, बहुत सारे अलग अलग गेम्स है, पर अभी उतने बड़े बड़े गेम्स नहीं आए हैं, जैसे GTA 5 हो गया, और भी बहुत सारे बड़े गेम्स है, फोर्जा हो गया, ये सब भी हो सकता है कि बाद में आ जाए। और इसके लिए पता है आप लोग को रिक्वायरमेंट्स की जरूरत ही नहीं है ज्यादा कोई, और अगर आपके पास मोबाइल है, या इवन आपके पास ना सेटअप बॉक्स भी है ना एंड्रॉइड वाला, तो उसमें भी आप लोग जाके खेल सकते हो, अभी फ्री में खेल सकते हो। तो क्योंकि उसमें ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती, उसको ब्राउजर के थ्रू चलाया जाता है, और जैसे आप डिवाइस में खेल रहे हो ना, जैसे अपने मोबाइल में खेल रहे हो, तो उसके लिए आप लोग को जियो गेम्स एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें अलग से ऑप्शन दिया रहेगा जियो गेम्स क्लाउड करके, तो वहां से आप लोग जाके पीसी गेम्स को भी खेल सकते हो। तो चलो मैं आप लोग को बता देता हूँ इसके साइट में ले जाके कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होने वाले हैं। तो देखो अब हम लोग ना इसमें आ गए जियो गेम्स क्लाउड में, अब मैं आप लोग को बता देता हूँ कि इसमें कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स होने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे इसका ना साइट खुल गया है, बहुत अच्छे से भी बनाया है यार साइट को, तो यहाँ गेट स्टार्टेड करना है आप लोग को। अब यहाँ पे आप लोग का रिक्वायरमेंट बता दिया है कि कौन कौन से डिवाइस में आप लोग खेल सकते हो, जैसे आप लोग के पास स्मार्टफोन है, कोई भी स्मार्टफोन हो गया है, मतलब बुरे से बुरे हालत वाला भी स्मार्टफोन होगा, उसमें भी आप लोग खेल सकते हो पीसी गेम्स को। तो यहाँ पे स्मार्टफोन होना जरूरी है, यहाँ से गूगल प्ले स्टोर पे जाएगा, उसके बाद यहाँ से आप लोग इसके ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो अपने मोबाइल में, इससे खेल सकते हो। उसके बाद यहाँ वेब एप्लीकेशन है, तो वेब एप्लीकेशन करोगे तो ये एप्लीकेशन मतलब कि वेब में ही खुल जाएगा, देखो ये वेब एप्लीकेशन में खुल जाएगा, और यहाँ से आप लोग लॉगिन भी कर सकते हो। तो और एक तो तीसरा ऑप्शन है, जैसे सेटअप बॉक्स है, जियो स्टोर में जाओगे तो वहां से आप लोग इसके सेटअप बॉक्स का एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो अपने, जैसे टीवी में आप लोग को खेलना है तो टीवी में भी खेल सकते हो, क्योंकि वो सेटअप बॉक्स के मदद से हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग को बता दे रहे हैं कि इसको कैसे डाउनलोड करना है, तो इसको हटा देते हैं। उसके बाद नीचे देखो, यू आर इन्वाइटेड फॉर द ईयरली एक्सेस, अभी हम लोग को इन्वाइट कर लिया है ईयरली एक्सेस के लिए, और हम लोग फ्री में खेल सकते हैं। अप्लाई फॉर ईयरली एक्सेस फ्रॉम एनी डिवाइस एंड प्ले द गेम्स, गेम्स आर इंस्टॉल्ड ऑन अवर सर्वर्स, जो इसके गेम्स होंगे ना जो जियो के सर्वर है वहां पे वो इंस्टॉल है, और आप लोग इसको कहीं भी खेल सकते हो बिना इंस्टॉल किए, और बस आप लोग को ना अच्छा सा नेट चाहिए, वाईफाई होना चाहिए। उसके लिए आप लोग को बता दे रहा हूँ कि इसमें क्या क्या लगने वाला है, पहले देख लो। वी रन द गेम फॉर यू, जस्ट क्लिक एंड एंजॉय लाइब्रेरी टाइटल। प्लेटफॉर्म्स पीसी के भी, एचटीबी के भी होंगे, स्मार्टफोन और वेब ब्राउजर्स किसी में भी आप लोग खेल सकते हो। अब कनेक्शन मिनिमम है इसमें कि 20 MB/s का वाईफाई का स्पीड होना चाहिए, मतलब कि आपके इंटरनेट कनेक्शन का स्पीड 20 MB/s से थोड़ा ज्यादा होगा तो भी चलेगा, और मिनिमम 20 MB/s आप लोग को चाहिए ये बताएं। और ये विंडोज भी हो सकता है, लिनक्स में भी खेल सकते हो, एंड्रॉयड में भी खेल सकते हो, और मैक में भी खेल सकते हो, तो यहाँ से अप्लाई नाउ कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, तो चलो अब मैं आप लोग को ना इसके गेम्स के लाइब्रेरी को बता देता हूँ। अभी ज्यादा गेम्स नहीं आए हैं, थोड़े बहुत गेम्स आए हैं, तो यहाँ पे देख लो, फाइंड द गेम्स यू लव एंड द वंस यू हैव नेवर प्लेड,
भाई इसमें बहुत सारे ऐसे गेम्स भी आ सकते हैं जिसको हम लोग खेले भी नहीं है। वैसे इसमें बहुत सारे ऐसे गेम्स है जिसको हम लोग को पता ही नहीं, यार पहली बार हम लोग इसका नाम सुन रहे हैं। जब इसका पेड वर्जन आएगा ना तो उसमें बहुत सारे अलग अलग गेम्स हो सकते हैं। अब वो पेड वाला जो उसका प्लान आएगा ना वो थोड़े सस्ते भी होंगे, क्योंकि जियो भाई आप लोग को पता ही है वो कितना पैसा लगा सकता है। जैसे कि पहले जियो का सिम आया था तो उस पे भाई फ्री में हम लोग को नेट भी दे रहा था चलाने के लिए, तो वैसा ये भी हो सकता है कि जियो गेम्स क्लाउड में हम लोग को शुरू में थोड़ा कम पैसे में हम लोग को खेलने भी मिल जाए। और ये भी हो सकता है कि जैसे जियो का आप लोग ना रिचार्ज करवाते हो ना मोबाइल में, तो उसमें कॉम्बो प्लान भी आ सकता है कि जियो गेम्स क्लाउड का सब्सक्रिप्शन मिल जाए आप लोग को, तो ये भी हो सकता है भाई। क्योंकि जियो गेम्स मतलब क्योंकि जियो जो अंबानी है भाई वो भाई बहुत पैसा उड़ा सकता है यार, अभी उसके पास पैसा ही पैसा है। तो ये देख लो यहाँ पे मिलियनर, ये भाई करोड़पति का ना कॉपी लग रहा है मेरे को। और यहाँ पे पता नहीं यार कौन सा गेम है, ट्रू फियर देखो हॉरर वाला भी है। और यहाँ अनसर्टेन, ये थोड़ा ट्रिपल ए गेम्स बोल सकते हो, ये अच्छा है गेम्स, मैं इसको खेल के देखा था एक बार। और ये वाला भी है, इसी का थोड़ा वो है, पार्ट टू है। स्टील रेड्स है, सेंट्स राव भी है भाई, सेंट्स राव आप लोग खेले ही होंगे बहुत पहले, तो इसका दोनों वर्जन है, मतलब ये थर्ड वाला और ये फोर्थ वाला पार्ट है इसका। और बहुत सारा है, ट्रैक्टर प्योर फार्मिंग, ये देखो बहुत सारा है। आइस एज है, ग्रिप है, रैंडम कम किंगडम कम है, गॉड्स ट्रिगर है, बहुत सारे गेम्स है। अभी आप लोग को 50 प्लस इसमें गेम्स मिलते हैं। और ये वाला भी अच्छा गेम है यार, इसको मैं खेला हूँ, मैं डिलीवर अस द मून, तो इसको भी खेला हूँ मैं। और इसमें बहुत सारे भी गेम्स है, देखो 50 प्लस इसमें गेम्स अभी आ गए हैं। तो इसको भाई लॉग इन करने के लिए बस आपको यहाँ इसके साइट में जाना है क्लाउड जियो गेम्स में, उसके बाद यहाँ से गेट स्टार्टेड करते हैं हम लोग। तो हम लोग को बस इसमें वेब एप्लीकेशन वाले में क्लिक करना है, प्ले नाउ करते हैं, उसके बाद ना इसका साइट खुल जाएगा मेन वाला गेमिंग का। अब यहाँ पे आप लोग को अपना नंबर डाल देना है, जो भी नंबर है आप लोग इसको डाल दो, उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो। अभी इनवैलिड बता रहा मैं क्योंकि कुछ भी नंबर डाल दिया हूँ। उसके बाद ओटीपी आएगा, उसको ओटीपी के आप लोगों को डाल देना है। उसके बाद आप लोग का जियो गेम्स क्लाउड चालू हो चुका है, अब आप लोग को बस चालू करके खेलना है, उसको क्लिक करो और खेलो भाई। कोई आप लोग अपने कीबोर्ड पे भी खेल सकते हैं, माउस पे भी खेल सकते हो, या किस कोई भी डिवाइस लगा के, या हो सकता है कि आप लोग ना वो जो प्ले स्टेशन का रिमोट आता है ना उस पर भी आप लोग खेल सकते हो। अब आप लोग को एक आध गेम्स ट्राई करके बताता हूँ, जैसे मैं इसमें से चालू कर लेता हूँ, ये बेन 10 को चालू कर लेता हूँ। अब आप लोग को यहाँ पे जाना है, यहाँ पे कंट्रोलर कौन से सपोर्ट करता है ये बता दे रहा है। आप लोग का पीसी का कंट्रोलर होगा, रिमोट होगा तो वो भी आप लोग यूज कर सकते हैं, माउस यूज होगा और कीबोर्ड भी यूज होगा। प्लेयर्स भी बहुत सारे आते हैं इसमें, और आउटराइट गेमिंग्स लिमिटेड ये तो सब आप लोग को बताया है, ये जेनर भी बता दिया। यहाँ से आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो कौन से जेनर में है इसका गेम्स। और यहाँ पे अब बस आप लोग को ना यहाँ ऐड टू फेवरेट भी कर सकते हो, और प्ले नाउ दबाना है और आप लोग का गेम चालू हो जाएगा भाई। अगर आप लोग का ना वाईफाई थोड़ा अच्छा स्पीड का होगा ना तो थोड़ा जल्दी चालू होगा और थोड़ा लैग फ्री भी होगा गेम प्ले। यहाँ से मैं क्लिक कर देता हूँ, तो इसमें ना बहुत सारे ऐसे भी है कि यार कई बार ना अपने आप डिस्कनेक्ट भी हो जाता है, तो मैं इसको दूसरा वाला गेम भी चालू करके देख रहा हूँ इसको ये चालू होता है कि नहीं, क्योंकि मैं बेन 10 को किया वो ऑटोमेटिक अपने आप डिस्कनेक्ट हो गया। तो इसको भी ट्राई करके देखते हैं, बहुत सारे अलग अलग गेम्स इसको ट्राई करके देखते हैं चालू हो रहे कि नहीं। क्योंकि मैं अभी थोड़े दिन पहले जब जियो गेम्स को ना ट्राई किया ना, मतलब खेल के देखा तो उसमें लैग बहुत हो रहा था, और अभी एक दो दिन बाद उसको खेला ना तो थोड़ा सा लैग फ्री हो गया था, मतलब कि ज्यादा अटक नहीं रहा था वो, क्योंकि वो जियो गेम्स ना थोड़ा सा सुधार ला रहा है अपने। तो अब हम लोग का गेम चालू हो चुका है, देखो अब आप लोग का गेम प्ले भी दिखा देता हूँ, अभी भी लैग हो रहा है कि ठीक ठाक है अभी। तो ये गेम देख लो भाई, अभी ना बिल्कुल लैग नहीं कर रहा है, अभी मेरे को ना मैक्सिमम अभी ना 60-50 FPS मिल जा रहा है, मतलब आराम से मिल जा रहा है, और ज्यादा लैग भी नहीं हो रहा है। तो आप लोग ना इसको ट्राई कर सकते हो जियो गेम्स क्लाउड को। अगर आप लोग को ये जियो गेम्स ट्राई करना है तो आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन में चले जाना, वहाँ पे इसका लिंक है, वहाँ से आप लोग जाके खेल सकते हो और अपना लॉगिन कर लेना, उसके बाद आप लोग फ्री में खेल सकते हो। तो गाइस इस वीडियो में मैं आप लोग को सब बता दिया हूँ जियो गेम्स क्लाउड के बारे में। अगर अभी भी कुछ क्वेश्चन है ना तो आप लोग कमेंट में बता सकते हो। तो गाइस आप लोग को अगर ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियोस चाहिए तो आप लोग प्लीज जाकर गेमर रॉनिक्स को सब्सक्राइब करो और शेयर करो। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।